फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इजी तरीके से पेट से जो गैस है वो निकाली जा सके। और ये जो दवा है ये शुगर फ्री है, इसमें डायबिटीज़ वाले भी ले सकते हैं। सिरप है, आपको इसमें सुबह शाम पीना है। ये मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा। पहले आपको बताऊँ कि आपके पेट में गैस कैसे बनती, क्यों बनती है। तो अगर आपका पेट खाली है, सुबह से आप कुछ नहीं खा पी रहे हैं, तो उसमें गैस बनेगी और उसमें एसिडिक मीडियम हो जाएगा, जिससे आपको हो सकता है कि आगे चल के अल्सर बन जाए। अगर आप सुबह से 5 घंटे 6 घंटे तक पेट में कुछ नहीं डालते हैं, तो आप सुबह पहले उठते हैं, उठिए तो सबसे पहले एक गिलास पानी पीजिए, उसके बाद में कुछ खा लीजिए, फिर उसके बाद चाहे जो काम करिए। अगर आप सुबह में पेट खाली रखेंगे तो प्रॉब्लम ही आएगी। सेकेंड थिंग्स ये है कि जब आप कोई चीज़ ऐसा खाते हैं, जैसे बाहर की चीज़ आप खाते हैं, जंक फूड खाते हैं या फिर तली भुनी भूत चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से भी पेट में गैस हो जाती है। गैस होने का मतलब इनडाइजेशन, मतलब आपका खाना आप अधपचा है, मतलब पच नहीं रहा है, इस वजह से गैस बन रही है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आपके खाने में कोई इन्फेक्शन हो, तब स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस बन जाते हैं, गैस के बबल बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को, अब इसके साथ में आपको जंक फूड थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर वो खाते रहेंगे तो आपकी गैस पेट में बनती रहेगी, और पेट में गैस बनती तो हार्ट बर्न होता है, हार्ट में जलन होती है। इसके साथ ही साथ उबकाई आती है, मतलब नौजिया होता है, जिसमें वोमिटिंग उल्टी नहीं होती है, उल्टी जैसा लगता है, आपके सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, और इसके साथ पेट में दर्द हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, आपका पेट साफ नहीं होगा। तो ये सारे चीज़ों का एकदम रामबाण इलाज है। रामबाण इलाज का मतलब ये कि इस जो सिरप है इसको आप लीजिए और इन सब सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। और जैसे आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है, इस रीजन में पर्टिकुलर जलन हो रहा है, या खाने का मन नहीं कर रहा है, गैस फ्लैटस पास नहीं हो रही है, तो इन सारी चीज़ों का इसमें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। इस मेडिसिन से मैं आपको इस मेडिसिन को दिखा रहा हूँ। ये मेडिसिन देखिए हमारे पास में है, ये मेडिसिन है, और ये मेडिसिन फ्रेंड्स, इसमें जो गैस गॉन इजी का कंपोजिशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें इसका जो कम्बिनेशन है बहुत ही आसान है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन का मिश्रण है। जैसे इसमें फोनिकम बुल्गेरी, मेंथा पेपरेटा, इसके बाद में नक्स मॉस्चाटा, और नेक्स्ट मेडिसिन जिंजिम्बर, और कॉरम कार्वी, इलीसियम, एनिसेटम, रोविनिया और एसाफोइडिटा, ये इसका कॉम्बिनेशन मेडिसिन कंपनी के शुगर फ्री सिरप है। रिलीफ एसिडिटी एंड गैस, मेडिसिन का नाम है गैस गन इजी। और ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं गैस गन इजी। इसको कैसे पीना है ये भी मैं बता रहा हूँ। किसी भी मेडिकल स्टोर पर आप चले जाइए, वहाँ से इसको मांग लीजिए, गैस गॉन इजी, तो वो आपको दे देंगे। इसके बाद अगर कोई एडल्ट है तो 10 ml सुबह शाम, और कोई बच्चा है तो उसका हाफ कर देगा। मैं अभी पी के भी आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको पीना है। तो इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें ये मेडिसिन निकलेगी। इसमें ये एक ढक्कन बना हुआ है, इसको आप देख लीजिए, इसमें 10 ml, 5 ml और 2.5 ml। तो अगर आप एडल्ट हैं तो 10 ml सुबह शाम, बहुत ज़्यादा गैस बन रही है तो 3 बार लीजिए। अगर बच्चा है तो उसको हाफ कर दिए, बहुत छोटा बच्चा है तो उसको 2.5 ml दीजिए। देखिए इसमें 2.5 ml बना है, ये लाइनिंग भी है, 2.5 ml, 5 ml, 10 ml। तो अब मैं इसको देखिए, ये बॉटल है और बड़ी भी बॉटल आती है, मैं आपको बताने के लिए इसमें इस तरह बता रहा हूँ। इसको आप ऐसे खोलेंगे, थोड़ा सा इसको शेक करेंगे, हिला लेंगे, और उसके बाद में इसमें 10 ml डालेंगे ऐसे। ये नियर अबाउट 10 ml है। अब मैं इसको पी रहा हूँ, बट मुझे गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कैसे आपको पीना है। बहुत सारे लोग हैं पीने में दिक्कत। अब जब आप इसको पियेंगे तो मुंह में आपको कुछ होना नहीं चाहिए, 10 मिनट पहले कुछ नहीं होना, 10 मिनट बाद तक कुछ नहीं मुंह में डालेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे पीना, बहुत ही मतलब कड़वी नहीं है, बहुत ही मीठी दवा है, हल्का फुल्का थोड़ा सा इसमें स्वाद में वो आएगी। और इसमें विशेष रूप से जो मधुमेह वाले पेशेंट हैं, मतलब जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो ज़रूर इसको लें, ठीक है, क्योंकि उनके लिए अगर शुगर फ्री जनरली बहुत कंपनियों को नहीं आते हैं, तो ये शुगर फ्री है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप इसे दवा लेने के बाद में आप एक काम और कर सकते हैं कि थोड़ा सा जंक फूड अवॉइड करिए, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन फ्रूट और पानी सफिशेंट मात्रा में 3 से 4 लीटर पीजिए, और खाने में थोड़ा सा ऑयली और इन चीज़ों को अवॉइड करिए, और आई होप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
और ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो लोग सब्सक्राइब किए हों सब्सक्राइब किए रहेंगे, जो लोग नए पेशेंट्स हैं ऑडियंस हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे शेयर भी कर दें। बगल में बेल है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।